सो दोस्तों, ये है मेरे घर का मंदिर। रिसेंटली मैंने इसे परचेस किया है और आप लोगों के साथ मैंने ये वीडियो शेयर भी किया है, इसकी अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आए। हम सबों के घर में ना मंदिर तो ज़रूर होते हैं, उनके साइज़ अलग अलग होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है, उनकी बनावट जो होती है ना, सब कुछ अलग अलग होता है। किसी के घर में छोटा मंदिर होता है, किसी के घर में बड़ा मंदिर होता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है पर्दा लगाना। तो हमारे मंदिर में पर्दा लगाना अच्छा माना जाता है, बहुत से लोग मंदिर में पर्दा लगाना पसंद करते हैं। तो अब जब हम मंदिर में पर्दा लगाते हैं तो बात आ जाती है, लगाएं तो लगाएं कैसे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी होती कि हम उस पर पर्दा हैंग कर सकें और तीज त्यौहार पर उस पर्दे को चेंज कर सकें, मतलब अलग अलग तरह का हम लगा सकें। तो आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो बिना कील लगाए हुए, बिना इसको डैमेज किए हुए, इस मंदिर को हम किस तरीके से पर्दा लगाएंगे, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं मुनमुन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। आज फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस मंदिर का पर्दा लगाने का तरीका। तो मंदिर में पर्दा लगाने से पहले उसकी लंबाई हमें लेनी पड़ती है और चौड़ाई लेनी पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मंदिर में पर्दा लगाने का तरीका। तो मैं यहाँ पर ना मंदिर का जो चौड़ाई है एक ही रखने वाली हूँ। जैसे आप तीन हिस्से देख रहे हो यहाँ पर, मंदिर का बैक पार्ट और दो साइड, तो मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक ही साइड का पर्दा यूज़ करने वाली हूँ और किस तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। और सामने की तरफ हम पर्दा जो लगाते हैं वो मैं नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ बैक साइड पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो सामने भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बैक साइड पर लगा कर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से पर्दा हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो बैक साइड है उसका लंबाई जो है वो ली है, वो है 20 इंच, और जो चौड़ाई है वो हो रही है 50 इंच। अब मैंने यहाँ पर ले रखी है एक साड़ी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले मीशो से मंगाई थी। बहुत पुरानी साड़ी है और नई है ये। मैं सिर्फ भगवान जी के जो साज सज्जा होती है, जैसे नवदुर्गे आते हैं या गणपति आता है, तब मैं इस्तेमाल करती हूँ ये साड़ी, इसीलिए मैंने ये ख़रीदी थी। और उसी हिसाब से ये कलर भी वैसा ही है और उसी में से ही मैं ये साड़ी को कट कर रही हूँ। और बाकी का साड़ी फिर से बैकड्रॉप के लिए ही काम में आएगा मेरे प्रभु के लिए। तो इसमें से जो पल्ले का साइड है उतना मैं कट करके निकाल रही हूँ और पल्ले के साइड को मैं बनाऊँगी आसन। उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चारों तरफ से सिलाई कर देनी और हमारा आसन बनकर रेडी हो जाएगा। साड़ी में से हम निकालेंगे जो हमने बैकड्रॉप का लंबाई चौड़ाई ली है वो हमें कट करनी है। तो लंबाई थी हमारी 20 इंच के लगभग और चौड़ाई थी हमारी 50 इंच के लगभग। तो चौड़ाई में 50 में हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें फ्रिल डालनी है, तो 60 इंच हो जाएगा। और लंबाई में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 23 इंच हो जाएगा। तो मैं साड़ी की जो डिज़ाइन है उसको देखकर मैं कट कर रही हूँ। चाहती तो मैं इस तरीके से लंबा एक पीस ले सकती थी 60 इंच का, लेकिन मैं वैसा नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पर जो साड़ी की डिज़ाइन है उस हिसाब से लंबाई में स्ट्रिप्स आए उस हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दो पीस कट कर रही हूँ, आप वीडियो में देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और बस आपको ये फर्क देखना है कि जो भी आप कपड़ा ले रहे हो, जो भी आपकी चौड़ाई है उसमें आपको 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रिल में, और लंबाई में आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस इतना याद रखिए, बाकी तो आप डिज़ाइन के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं जैसे मैं भी कर रही हूँ तो बीच में से फिर जॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर अभी इसको कट कर रही हूँ। कट करके अब ये दो हिस्से निकल जाएंगे और ये हमारा
एक लंबा चौड़ाई में पीस निकल के आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, बीच में से सिलने के बाद इसके दोनों साइड से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर एक कर दी है मैंने और एक यहाँ पर फिर से मैं रखकर 20 इंच का जो लंबाई का नाप है वो लेकर एक निशान लगाऊंगी, नीचे की तरफ सिलाई कर लूँगी और उसके बाद इसमें डालेंगे हम छोटी छोटी फ्रिल, ताकि जो हमारा पर्दा हो वो थोड़ा फ्रिल वाला बने। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद हमें फ्रिल देते हुए चले जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी फ्रिल लगाकर रेडी कर ली है। अब इसमें पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, अब हम इसे हैंग कैसे करें, है ना। तो अब देखिए, हैंग करने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वेलक्रो का। ये आजकल काफ़ी चल रहा है ट्रेंड में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और जो भी इसका रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा है, बुरा है, कैसा है पता नहीं, मैं भी पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये वेलक्रो दो स्ट्रिप्स में आई हैं, गोल गोल हैं कुछ इस तरीके की, एक चिपकाने वाला है और एक वैसा वाला, तो आप ये देख सकते हो। अब इसको हमें लगाए कैसे, तो इसको एक जो पीस है वो मंदिर में लगाना है, जो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वाला जो है वो मैंने लकड़ी पर लगाया है, ये हार्ड वाला, और जो सॉफ्ट वाला है ये थोड़ा हम कपड़े पे लगाएंगे। तो चलो हम अब इसे लगा लेते हैं और किस तरीके से ये लगने के बाद टिकता है पर्दा, नहीं टिकता है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वेलक्रो जो लकड़ी पे लगाने वाली थी वो सारी लगाकर रेडी कर ली है। अब आती है बारी कपड़े पे लगाने वाली स्ट्रिप्स की, तो कपड़े पर भी हम लगा लेंगे। तो अब मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, तो जो मैंने लकड़ी पे चिपकाया है जो स्ट्रिप्स गोल गोल आप देख रहे हो कितनी कितनी दूरी पर मैंने लगाई है, वो एकदम परमानेंटली चिपक गया है, लेकिन जो हमने वेलक्रो कपड़े पे लगाया है वो बार बार निकल रहा था। तो इन फ्यूचर अगर हमें इसे परमानेंटली लगाना है कपड़े के ऊपर, तो हमें ग्लू गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा परमानेंटली इसे चिपकाने के लिए। और अभी तो मैंने फ़िलहाल लगा दिया है इसे, लेकिन अगर मुझे अभी परमानेंटली इसे करना है तो कपड़े के ऊपर जो हमने वेलक्रो लगाई है उसे हमें ग्लू से चिपकाना ही पड़ेगा, तभी वो टिकेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने मंदिर का पर्दा लगा दिया है। और बात आती है वेलक्रो की, ऑनेस्ट रिव्यू दिया मैंने, आप मंगा सकते हो, वैसे काम चलाऊ बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से अपने घर के मंदिर में पर्दा लगा सकते हो। तो अभी तो ये लग चुका है, इन फ्यूचर मैं इसे निकाल कर ग्लू गन से चिपका दूंगी, तो ये परमानेंटली हो जाएगा कपड़े के ऊपर और वॉश करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मेरा आज का वीडियो था। आई होप आपको मंदिर में पर्दा लगाने का तरीका पसंद आया तो बताइएगा ज़रूर कमेंट के थ्रू। और जो भी आपने अगर इस्तेमाल किया है तो वो भी मुझे बताइएगा कि ये वॉश होने के बाद ख़राब होता है कि नहीं, मैंने तो लगाया है, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।